21 जून विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया। हिंदुस्तान सहित पाकिस्तान में भी लोगों ने योग किया। इसी तरह महाराष्ट्र के डोंबिवली में भी नीला पाटिल फाउंडेशन की ओर से विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योग शिविर का आयोजन किया गया। नीला पाटिल द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए ये योग शिविर आयोजित की गई थी। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में योग का महत्व पूरी दुनिया जान चुकी है। महिलाओं की जिंदगी भी काफ़ी तनावपूर्ण होती है, फिर चाहे वो नौकरी करने वाली हो या गृहिणी हो, हर नारी को स्ट्रेस कम करने के लिए योग की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य से नीला पाटिल ने योग शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में योगा टीचर रीना भानुशाली, ज्योति अवधानी, पोलका अचलकर, परिणीति कामले, सुनीता देसाई, शीतल सुधाकरण, शीतल सुरवे, उर्मिका मकवाना और ऋत्विक अवधानी आदि ने इस शिविर में भाग लिया। आज विश्व योगा दिनानिमित्त आम्ही डोंबिवलीमध्ये नीला पाटील फाउंडेशनच्या अंतर्गत शिबिर आयोजित केलेलं होतं योगाचं, आणि त्याला भरपूर प्रतिसाद मिळाला महिलांचा। 4 सेशन झाले दिवसभरामध्ये। आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये महिलांना घरी आणि बाहेर असं दोन्ही जबाबदाऱ्या आलेल्या आहेत। बाहेर जाऊन अर्थार्जन करणं ही महिलांची आणि संसाराची फार गरज झालेली आहे, त्यामुळे महिलांना फार स्ट्रेसला सामोरं जावं लागतंय। तर योगा हे असं आहे की रोगमुक्त आहे, त्यामुळे आपण राहू शकतो। आणि त्यासाठी महिलांना, तळागाळातल्या महिलांना ह्याचं ज्ञान व्हावं, योगाचं महत्त्व कळावं, ह्यासाठी मी हे शिबिर नीला पाटील फाउंडेशनच्या अंतर्गत आयोजित केलं होतं। त्याला महिलांचा भरपूर प्रतिसाद मिळाला आहे।